जनसंख्या में आज जो टॉपिक आता है भारत में जनाधिक्य, क्योंकि हमारा ये पेपर ही जनसंख्या का है। बैठे रहो, तुम भी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, देखिए मैंने तुम्हें बताया था भारत की जनसंख्या अगर हम अब बात करें तो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई है। और यदि मैं 2011 के सेंसस की बात करूं तो चीन फर्स्ट नंबर पे था। मैंने तुम्हें बताया था जब भी हमें कहीं जनसंख्या के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं या कहीं भी रेफरेंस देना होता है तो हम 2011 का देंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई। रीजन, कोविड। जनगणना हर कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। और हम कहीं भी जैसे कंपटीशन में तुमसे कहीं तुम कोई भी कंपटीशन दे रहे जाओ, पीसीएस का, लोअर का, तो जब तुमसे पूछा जाएगा उत्तराखंड की जनसंख्या, जनघनत्व, तो वो हमेशा 2011 के संदर्भ में पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 प्रमाणिक वर्ष है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चों भारत की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब। हाँ, और ये किसके अनुसार है? इसके अनुसार, क्योंकि अब तो भारत की जनसंख्या 145 करोड़ पहुंच चुकी है, 140 करोड़ से भी ऊपर। लेकिन हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार हमारे लिए आंकड़े जारी नहीं करती है, तो हम 2011 को आंकड़ों को मानेंगे। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को रटना मत, समझ के लिखना। समझ के लिखना बहुत आसान होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता और हमें देख के नहीं लिखना पड़ता अगर हम समझ के लिखेंगे। भारत में जनाधिक्य, एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एमए में, क्या भारत में जनाधिक्य है? तो सबसे पहले दो विचारधारा है, एक आशावादी एक निराशावादी। इन शब्दों को समझो, आशा मतलब होप, है ना, आशावादी विचारधारक कि पॉजिटिव लेना हर चीज को, किसी चीज को नकारात्मक लेना। अगर मैं कहने लगूं टीरी, अरे बहुत ठंडा है, अगर मैं ऐसे करके बोलूंगी अरे बहुत ठंड है, अगर मैं कहूंगी हाँ बहुत अच्छा है, आशावादी इन द सेंस हर चीज को सकारात्मक रूप ले लेना, हर चैलेंज को एज अ वो जैसे कोई परिस्थिति आई, विषम परिस्थिति आई, एक तो होता है हम घबरा जाते हैं उस परिस्थिति से और घबरा के हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा। दूसरी होती है आशावादी। अगर तुम्हारे पास कुछ परीक्षा के प्रश्न हैं और तुम्हारे पास लिखने को कुछ भी नहीं है, या तो तुम फेल हो जाओगे, डर जाओगे और फेल हो जाओगे, एक होता है आशावादी दृष्टिकोण। अपने आप को समझाना या अपने आप को इस लेवल तक वो करना कि तुम शब्दों को समझो। भारत में जनाधिक्य, देखिए वास्तव में भारत में जनाधिक्य है। वैसे अगर मैं फैक्ट बात करूं, जनसंख्या भारत में भारत की फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई है, लेकिन इसको हमें दो दृष्टिकोण से बताना है, एक तो निराशावादी और एक आशावादी विचारधारा के अनुसार। निराशावादी कहते हैं कि हाँ भारत में जनसंख्या वृद्धि है, हाँ भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आशावादी के अनुसार भारत में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसके सापेक्ष बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तो कोई बात नहीं बढ़ रही है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। जैसे मैंने अभी अभी टीरी का एग्जाम्पल दिया तुम्हें, यहाँ दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। बहुत से लोग तो यार टीरी नहीं जाएंगे बहुत ठंडा है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार यहाँ तो पंखा भी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। अब नीचे जाके देखो प्लेन्स में भयंकर, राजस्थान वगैरह में भयंकर गर्मी और लू चल पड़ी है। तो दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के होते भी हैं। आशावादी, जैसे तुमने हिस्ट्री के बच्चे बैठे हैं, ये गरम दल और नरम दल, जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इतिहास की हम बात करते हैं, जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो दो दृष्टिकोण थे, एक गरम दल और एक नरम। गरम कहते थे जो उग्रवादी थे, जो कहते हैं बस खत्म करो लड़ाई झगड़ा और अंग्रेजों को खदेड़ो और बाहर निकालो। एक नरम दल जो कहते थे लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, क्यों ना हम बैठ के बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं भारत में जनाधिक्य, और वास्तव में क्या भारत में बढ़ती जनसंख्या है, जनाधिक्य है, तो इसकी दो विचारधारा है, एक निराशावादी और एक आशावादी। जैसे कि मैंने तुम्हें निराशावादी के पहली विचारधारा निराशावादी के अनुसार बताया, इनके अनुसार यह मानना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और तीव्र हो रही है। इसका फर्स्ट पॉइंट है देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मैंने तुम्हें बताया था पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1881 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार हुई थी, फिर नियमित 1881 से अब तक हर 10 साल के बाद होती चली आ रही है। 1881 के बाद 1891, 91 के बाद 1901, 1901 के बाद 1911, ऐसे में 10 10 10 10 जोड़ते जाओ, और लास्ट हुई है हमारी 2011 में। तो
अगर मैं जनसंख्या के पीछे इतिहास को देखूं तो निरंतर भारत की जनसंख्या बढ़ती आ रही है, और 1961 सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस काल में। फिर भारत की जनसंख्या देखिए, आज मैं थोड़े विश्व के देशों का भी एग्जाम्पल दूंगी, विश्व के देश खासतौर पर क्षेत्रफल का, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये छह नाम मैंने तुम्हें क्यों बताया अभी बताती हूं। अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह कंट्री का जो वो है ना क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। भारत का क्षेत्रफल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद आता है, लेकिन भारत की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई है। ध्यान से समझना, रटना मत, समझ के लिखना। समझ के लिखोगे, लिखने को तुम्हारे पास अथाह संसार होगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनके जनसंख्या वो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। कनाडा में है, मैं कर दूंगी, तेरे को बोला ना पक्का गड़बड़ ना करना। एक मिनट, बहुत अजीब लगा बच्चे चिटिंग करके, मतलब अच्छा नहीं लगा। थोड़ा समझ के लिखे ना, लिखना आसान हो जाएगा। मैं तो एक क्वेश्चन तो यही दे दूंगी, चलो ये वीडियो से बताती अभी बता दूंगी। तो मैं तुम्हें बता रही थी भारत का जो क्षेत्रफल है इनसे कम है, लेकिन जनसंख्या इनसे ज्यादा है। देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, वास्तव में तीव्र वृद्धि हो रही है। अगर मैं काल देखूं 1941 से 51 से 61 बहुत ज्यादा तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई थी, और तब से लेकर आज तक भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली आ रही है। तो इसलिए जो निराशावादी विचारक है वो कहते हैं हाँ वास्तव में भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। फिर है खाद्य समस्या। देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है, मैंने तुम्हें जब माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ाया था तो मैंने बताया था, माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि तो होती है अंगणितीय वृद्धि, और खाद्य पदार्थ नहीं, जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय वृद्धि, और खाद्य पदार्थों में अंगणितीय वृद्धि। मतलब जैसे जनसंख्या कैसे बढ़ती है, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 16 दुनी 32, 32 दुनी 64, 64 दुनी 128 जनसंख्या तो ऐसे बढ़ रही है। खाद्य पदार्थ कैसे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से उन्होंने समझाया था कि जब खाने वाले 132 होंगे तो हमारे पास खाद्य पदार्थ सिर्फ 7 होंगे। तो खाद्य पदार्थ हमारे पास उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तभी तो हम अफ्रीकन कंट्री में देखते हैं भूखमरी की समस्या आ जाती है, मुद्रा स्फीति वहां पे गिर जाती है, लोग दैनिक जीवन का सामान खरीदने थैला भर के नोट लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए ध्यान से समझना, जब खाद्य पदार्थ नहीं रहेंगे, हमारे पास पैसा है लेकिन रेट फिर बढ़ जाएंगे, जब चीजें कम रहेगी, ठीक है, खरीदने वाले 10 लोग हैं, चीजें 4 ही हैं, तो वो क्या करेंगे, दाम बढ़ा देंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो खरीदेगा, ठीक है। और चीजें यदि ज्यादा होती है तो दाम गिरते हैं, खरीदने वाले कम है तो वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन में दाम गिरा देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ खाद्य समस्या है, जिसके कारण निराशावादी विचारक कहते हैं कि जनसंख्या में अथाह वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिस प्रकार बेरोजगारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार हमारे देश में बेरोजगारी पैदा हो रही है। बेरोजगारी कहते हैं जब व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता। एक एमए हम देखते हैं आजकल, एमबीबीएस चाय वाला, इंजीनियरिंग पकौड़े वाला, ठीक है, ये क्या है, जब व्यक्ति, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी जो है वो क्या है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा, जिसके कारण क्या है, भारत में जनसंख्या कहा जाता है निराशावादी का, भारत में जनसंख्या वृद्धि है। इसी प्रकार किसी भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, पहले एक एक किसान के पास कई हेक्टेयर भूमि होती थी, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, एक पिता है उसके 4 लड़के हैं, उनने भूमि को 4 भागों में बांट दिया, 2 लड़कों ने अपनी भूमि बेच दी, 2 के फिर बच्चे हुए, उसने फिर अपने बच्चों में भूमि का बंटवारा कर दिया, तो जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी उस पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है।
जैसे किसानों के पास पहले बहुत हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, बंटवारा बेचना, इसके कारण उन कृषि की भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। जब घर में एक पिता है, उसकी 5 संतानें हैं, फिर 5 संतानों की आगे भी संतानें होगी, तो भूमि के टुकड़े टुकड़े में वो बढ़ती जाएगी। तो इस कारण क्या है, हमारी कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए निराशावादी विचारक क्या कहते हैं, भारत में जनाधिक्य है। इसी प्रकार ऊंची मृत्यु दर, हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ गई है। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर जब ये ऊंची होती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। मृत्यु दर का अधिक होना भी जनसंख्या को बताता है। पिछले यदि हम आंकड़ों पे नजर डालें तो भारत की मृत्यु दर भी अधिक है। रीजन, या स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नहीं है। कोविड की जब महामारी फैली थी, कितने लोग काल के गाल में समा गए थे, जलाने के लिए चिताओं की लाइन लगी पड़ी थी, कहीं देखा तो भूमि तक नहीं मिली लोगों को दफनाने के लिए। तो कहने का मतलब, जब ऊंची मृत्यु दर होती है तो भी जनाधिक्य एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसी प्रकार देश में जनसंख्या का बढ़ता हुआ घनत्व, जो हमारी देश में जनसंख्या है उसमें डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो क्षेत्रफल है वो भारत से ज्यादा है। रूस और कनाडा के कंट्री में जैसे बहुत भारतीय तुम देखोगे कनाडा में जाके बसे हुए हैं, बहुत सरदार लोग, क्योंकि कनाडा और रूस में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, और वहां भूमि बहुत ज्यादा है। सरकार चाहती है लोग, कुशल कर्मगर यहाँ आए, कुशल कारीगर, और वहां की यहाँ की भूमि का सदुपयोग करें। और लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, इतनी भूमि नहीं है जितने लोग हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, पैर रखने को जमीन नहीं बची है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अस्तित्व में आ रही है। एक एक स्टोरी पे अगर तुम फ्लैट खरीदने जाओ, दो दो तीन तीन करोड़ का एक छोटा सा फ्लैट, तो इस कदर दाम बढ़ गए। और यही अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं, तो यहाँ भूमि अभी है, पर्वतीय क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, लोग शहरों की तरफ ज्यादा भागते हैं, लेकिन शहरों में ये हाल है कि वहां पैर रखने की भी भूमि नहीं है। लोग अगर तुम सोचोगे मैं अपना एक घर बना लूं, तो नहीं सोच सकते, इतना महंगा है कि तुम अपनी सारी पुश्तैनी जमीन भी बेच दोगे तो शहर में एक घर नहीं खरीद पाओगे। तो बढ़ती जनसंख्या का घनत्व भी जनाधिक्य का कारण है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे निराशावादी विचारक हैं वो कहते हैं भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एक है आशावादी विचारधारा। भारत के जो आशावादी विचारधारक हैं, आशावादी, वो कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत के फेवर में है। हालांकि इसकी जो मेरे पॉइंट्स हैं थोड़े तो समझ में आते हैं, लेकिन थोड़ी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वास्तव में भारत में जनसंख्या, आज की हम बात करें, जो किताबों का ये ज्ञान है, ये ज्ञान आज से 15-20 साल पुराना है, ठीक है, जिस चीज को मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज प्रेजेंट कंडीशन की यदि हम बात करें तो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। इस बढ़ती जनसंख्या को यदि कंट्रोल ना किया गया तो भारत में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज हम बात करते हैं उन आशावादी विचारकों की, जो कहते हैं कि भारत में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत के फेवर में है। अब वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं भारत में जनाधिक्य नहीं है, वो कहते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक है, और भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ तो रही है, लेकिन उसका वितरण, जनसंख्या का जो वितरण होता है ना, जैसे एक होता है एक शहर में बढ़ रही है, पूरे भारत में उसका फैलाव है, जिसके कारण वो मानते हैं आशावादी विचारक कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का फैलाव ऊपर से नीचे की ओर है। इसी तरीके से वो कहते हैं भारत में जनगणना दूसरे के देशों की तुलना में कम है। इन देशों को तो छोड़ दो, यहाँ तो डेंसिटी जो है भारत की अपेक्षा बहुत कम है। यहाँ की कंट्री के लोग कहते हैं बाहर से आओ और हमारे यहाँ रहो, काम करो, यहाँ की बंजर पड़ी बेकार भरी भूमि का सदुपयोग करो। लेकिन यदि मैं भारत में बात करूं, भारत का जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया, यदि इन कंट्रीज की हम बात करें, जापान में 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अब आंकड़े चेंज हो गए हैं,
ठीक है, दक्षिण कोरिया में 465 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 445 व्यक्ति। तो और साथ ही साथ अन्य कंट्रीज अगर हम बात करें पाकिस्तान की या अन्य देशों की, तो कहीं ना कहीं उनका जो घनत्व है वो भारत से अधिक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वो कहते हैं भारत में जनघनत्व, और जनघनत्व में वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे? शहरी क्षेत्रों का जनघनत्व ज्यादा है, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों का जनघनत्व कम है। जैसे मैं तुमसे बात करो, उत्तरकाशी 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, भारत में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यदि मैं दिल्ली की बात करूं, 12,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यह जो भूमि है, अगर भूमि में लोगों का फैलाव समान रूप से हो जाए तो भारत में जनाधिक्य नहीं है। कौन कहते हैं? आशावादी विचारक। इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, नो डाउट हो रही है। ठीक है, हमारी जो हमारी राष्ट्रीय आय है और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है, वो निरंतर बढ़ रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आशावादी विचारकों का मानना यह है, जैसे भारत की जो पर कैपिटा इनकम 1950-51 में 25 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, 25 रुपए। लेकिन अगर उस टाइम, अभी हमें सुन के हंसी आएगी, 25 रुपए के तो मैं चाउमीन 25 के भी नहीं मिलते, ऐसे ही खा जाऊं मैगी वैगी, 25 तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यदि हम उस टाइम की बात करें, तब लोगों की सैलरी पता कितनी होती? 5 रुपए 8 रुपए, है ना। और जो भूमि थी बहुत सस्ते में मिलती थी, 200 रुपए में 300 रुपए में भूमि के टुकड़े मिल जाते थे, वो जमाना अलग था। ठीक है, मूल्य जैसे जैसे बढ़ा, समय समय बीता, महंगाई आई, ठीक है, तो उसके अनुरूप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। यदि मैं जो हमारी किताबों के दिए गए आंकड़े हैं, और इनमें यदि मैं 95-96 की बात करूं, सन 1995-96 में भारत की पर कैपिटा इनकम जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय 25 रुपए थे, बढ़कर हो गई 2,608 रुपए, ऐसा माना जाता है। और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो भारत की पर कैपिटा इनकम और भी बढ़ चुकी है, प्रति व्यक्ति आय। तो जिसके कारण हम कहते हैं कि यदि भारत के प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो सक्षम है अपना गुजारा चलाने में। लेकिन यदि हम गरीबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये आशावादी विचारक मुझे, जिसे कहते हैं ना, निरर्थक से प्रतीत होते हैं। क्योंकि गरीबी भारत में है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से भारत में खाद्य समस्या है, उस तरीके से उन आशावादी विचारकों के तर्क जो उन्होंने दिए हैं वो मुझे प्रमाणिक प्रतीत नहीं होते। लेकिन फिर भी हम अपने जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, हम दोनों तरीकों से लिखेंगे। फिर आते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो रहा है, ये तो फैक्ट है, इस वाले पॉइंट के मैं फेवर में हूं। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक साधन है, उनका दोहन उस प्रकार से नहीं हो रहा है जैसे कि होना चाहिए। वो कैसे? जैसे मैं तुमसे बताऊं, मैंने यहाँ धाराएं देखी है, पानी, नेचुरल रिसोर्सेज, इवन चमुंड है ना, मूलधार। अभी मैं अगरोड़ा गई थी तो रास्ते में कई इतना मोटा पानी आ रहा था, और वो पानी बताऊं सड़क पे बह के ऐसे ही वेस्ट हो रहा था। तो मुझे लगा अगर इस पानी को संरक्षित किया जाए या कुछ ऐसा इसको कंजर्व किया जाए तो हम दूर दूर तक, जैसे आज अगर हम देखें बेंगलोर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पीने के पानी की बहुत कमी आ गई है। और यदि हम यहाँ देखें पीने का स्वच्छ पानी, मैंने छमुंड के बारे में किन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के पानी का रिसर्च हुआ था और उसमें माना गया ये सबसे प्योर पानी है, लोग दूर दूर से आके पानी को भर के ले जाते हैं। ऐसे में सिर्फ ये तो पानी की बात हुई, जड़ी बूटी या हमारे यहाँ इतने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयला, खनिज, कि उनका दोहन उचित प्रकार से, कोयला खनिज जो है तो उनका अगर दोहन किया जाए तो इतना हम कमा सकते हैं। जैसे बॉक्साइट और बहुत सारे ऐसे अमूल्य खनिज हैं जो भारत में मौजूद है, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट बहुत जेन्युइन लगता है। साथ ही साथ कृषि की पिछड़ी दशा, बिल्कुल मैं यही कहूंगी, भारत में जितनी ज्यादा कृषि भूमि है ना, जिस समय वो आया था, अगर हम बात करें जिस समय हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति के समय अन्न की बड़ी भारी मात्रा में उपज हुई थी, क्योंकि
उनमें पानी के सही तरीके का इस्तेमाल किया गया, उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद्य का प्रयोग किया गया, जिससे जिस एरिया से 100 किलो गेहूं निकलते थे उसी से 500 किलो गेहूं निकले। तो यदि हम कृषि की दशा को सुधारें, जैसे मैं देखती हूँ उत्तराखंड में बहुत सारे सीढ़ीनुमा खेत हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं ऐसे साधन नहीं है कि सिंचाई हो, जुताई हो, अगर इन सब चीजों को देखें तो उपज हो सकती है। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कृषि पे सरकार को फोकस पड़ना पड़ेगा और कर भी रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में करा भी गया है, लेकिन अभी भी और ज्यादा सुधार किए जाने की जरूरत है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें श्रम शक्ति का अभाव, श्रम शक्ति लेबर्स, आज हर व्यक्ति देखिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखती हूँ, बहुत सारे फल, कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, जो आजकल बहुत लोग मार्केट में डिमांड है, ठीक है, फ्रूट्स की, बहुत से लोग जब पैसे हो जाते हैं सोचते हैं हम फ्रूट्स खाएं, या फिर कई बार डेंगू, या उसमें डॉक्टर कहते हैं कीवी खाओ, खून बढ़ता है। मैं देखती हूँ पौड़ी जिले में या बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में लोग अपने इंजीनियरिंग छोड़ के फलों की खेती कर रहे हैं, उससे उनका करोड़ों का टर्न ओवर है। यदि लोग समझें श्रम शक्ति, सिर्फ मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ IAS PCS पढ़ाई ही सब कुछ है, आपके पास यदि शुद्ध ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल सब जगह कर सकते हैं, आप उससे बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप अपना, जरूरी नहीं है सब बच्चे इंजीनियरिंग करें, सब बच्चे डॉक्टर ही बने, आज हमारे पास भूमि है। मैं देखती हूँ बहुत से लोग एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, और एलोवेरा इतना ट्रेंड में आ गया, एलोवेरा जेल हर तो व्यक्ति के घर में, एलोवेरा जेल चेहरे पर, बालों पर, जिस प्रकार से इसका ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों ना अपनी श्रम शक्ति को सही दिशा की ओर लगाएं। तो जरूरी नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तो आप भूमि को भी सोना बना सकते हैं। किसके जरिए? कीवी की खेती, ड्रैगन फ्रूट्स, कुछ ऐसे फल जिनकी पूरे देश में डिमांड है, ऐसी मेडिसिन की, ऐसे जड़ी बूटियों की जिनकी पूरे भारत में डिमांड है। तो यदि हमारी श्रम शक्ति अपने श्रम का सही दिशा में प्रयोग करे तो आज हम क्या से क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जैसे मैंने बताया 1961 तक भारत की जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ी थी, 1961 के बाद 1961 के बाद भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही है, उसकी वृद्धि दर में कमी आई है। वृद्धि दर मतलब जिस वृद्धि दर है वो घट रही है, लेकिन बहुत कम घट रही है, और ज्यादा घटनी चाहिए। तो सरकार को परिवार नियोजन पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब, आशावादी विचारधारक जो हमारी विचारधारा के लोग थे, उनका मानना था कि भारत में जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसके सापेक्ष भारत में संसाधन है, भारत में ऐसी चीजें हैं कि भारत इस पे काबू पा लेगा। ये है भारत में जनाधिक्य।